चलो फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमें याद होंगे तो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए? अब देखते हैं, पहले समझना। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तो उसका देखना जस्ट उसी का अपोजिट है। एक दो समझाते हैं, उसके बाद फटाफट फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके इंप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। पहले जैसे देखो डिफरेंशिएशन का हम, अच्छा चलो दोनों को साथ साथ बता देते हैं, कंपेयर करके बताते हैं तुम्हें। एक तरफ मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन का, याद ही होगा ना? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है कि नहीं? डिफरेंशिएशन। दूसरी तरफ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। एक तरफ डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन। देखो चलो दोनों को, दोनों के लिए अलग अलग लिखते हैं और बताना। मैं दोनों साथ बता दे रहा हूँ ताकि आप कंपेरेटिव स्टडी कर पाओ। ठीक है भैया? चलो देखो, पहला जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा इनका, वो क्या है? डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट फार्मूला था उसको आपने पढ़ा होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही आता है डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन में अगर हम एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या है इसमें? ऑर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ये, अपने मन से हम यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो, जैसे समझाते हैं किसको एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू कुछ एक फंक्शन दिया है, y इक्वल टू समथिंग, मान लो एक्स क्यूब एक फंक्शन दिया था। y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है? एक फंक्शन दिया है। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन दिया है, इसको मैं क्या करूं? इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? देख भाई चल, या डिफ्रेंशिएट करो पहले। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन। इसका मतलब ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर एन के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ एन के प्लेस पे क्या है? थ्री है ना, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन, तो आ जाएगा ये थ्री एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होगा। अब इसी चीज का ये जो आया इसका रिजल्ट, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा? देखना, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया? डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब थ्री तो एज ए कॉन्स्टेंट हम बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का देखिए एक्स की पावर एन के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का अगर एक्स की पावर एन के करें हिसाब से करेंगे तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ एन के प्लेस पे क्या है? टू है ना, इंटू क्या हो जाएगा? एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। अब प्लस अगर सी है तो इसको करते हैं जरा, हम देखिए। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये थ्री हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, नीचे आएगा थ्री प्लस सी। थ्री से थ्री क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस सी। देखो एक्स क्यूब ही मिल गया कि नहीं? जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया था, जो आया उस फंक्शन को फर्दर हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, तो वही फंक्शन हमें मिल गया, वही फंक्शन सेम मिल गया कि नहीं? तो इसी हमने कहा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या है? अपोजिट है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। समझ आई हमारी बात? अब वो ऑर्बिटरी कांस्टेंट की बात करते हैं कि ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी क्यों ऐड करते हैं। सपोज करिए अगर इसमें कहीं पर क्या होता है, कहीं पर मान लीजिए टू लिखा होता है या कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड होता है यहाँ पर। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन तो इसका जीरो आ जाएगा ना दोस्त? टू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जब इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स क्यूब तो आ जाएगा, लेकिन टू आया क्या? नहीं आया। इसी टू को लाने के लिए हमें एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी लगते हैं। इसका मतलब सी वो वाली वैल्यू है जो डिफरेंशिएशन के बाद छूट गई थी। अब मान लीजिए किसी कॉन्स्टेंट टर्म का हमने डिफरेंशिएशन किया होगा तो जीरो हो गया होगा,
तो उस कांस्टेंट टर्म को लिखने के लिए वहां पर क्या लिखा जाता है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी लिखा जाता है हमेशा। समझ में आया सी क्यों लिखा जाता है, यह बात क्लियर हुई अपनी? ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमने सीखा कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस सी एक ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अपने अच्छा सा हम कुछ भी रख सकते हैं उसको। ओके ठीक है, चलिए थोड़ा बैकग्राउंड आपका चेंज करते हैं इसमें, क्योंकि बार बार ये चीज क्या हो रही है। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरे में आते हैं। देखो देखो, फर्स्ट फार्मूला हमारा हो गया, अब सेकेंड फार्मूले पे आते हैं हम। थोड़ा सेकेंड फार्मूले पे करते हैं, एक्स की पावर एन का तो हमने बता दिया आपको। अब देखो सेकेंड, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पहले बताते हैं फिर इंटीग्रेशन बताते हैं। देखो ठीक है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। एकमात्र ऐसा फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों क्या होते हैं, सेम आते हैं। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, ई की पावर एक्स। अब चूंकि इंटीग्रेशन में एक ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी ऐड करते हैं तो यहां भी सी ऐड करेंगे, लेकिन ये फंक्शन दोनों में क्या आ रहे हैं, सेम आएंगे। लेकिन अगर e की पावर x का जो एक्सपोनेंट है, मतलब e की पावर में जो x लिखा है, अगर ये x स्क्वायर होता या x का कोई कोफिशियंट दिया होता, जैसे e की पावर क्या है 2x दिया है, e टू द पावर 3x दिया है, तो उस केस में चीजें बदलेंगी। उसके लिए अलग से लिख देता हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए दूसरा इसमें देखिए, अगर मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ e की पावर nx मैंने लिख दिया, nx लिख दिया, इसका मतलब क्या है, अब x अकेले नहीं है, x का कुछ ना कुछ क्या है कोफिशियंट भी है। तो उस केस में क्या करना होता है कि पहले अब हम e की पावर x के हिसाब से इसको लिख देंगे, e की पावर nx ही होगा, फिर इस nx का ही भी डिफरेंशिएशन करते हैं। इस nx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा इनटू में करके किया जाता है, तो डी डी एक्स ऑफ एन एक्स दिस इक्वल टू क्या होगा, n तो कोफिशियंट है बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है, 1 होता है, तो सिंपली क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसके अलावा जब इस nx का डिफरेंशिएशन में करूंगा तो इनटू में n भी आएगा, तो इस n से इसको इनटू कर दूंगा, n e की पावर क्या हो जाएगा, nx। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन में ये है, अगर x अकेले नहीं है, x का कोई कोफिशियंट दिया है, अब मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले जो भी फंक्शन दिया जा रहा होगा आपको उसके हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर x का जो भी कोफिशियंट रहेगा डिफरेंशिएशन करने पे जो भी आ रहा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशियंट हो जाएगा। जैसे x की देखो क्या है, e की पावर nx था, यहाँ x का कोफिशियंट क्या है, n है, तो e की पावर nx का डिफरेंशिएशन e की पावर nx तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो इस x का कोफिशियंट है वो इनटू में आ जाएगा इसके साथ, समझ गए ना। तो n e की पावर क्या हो जाएगा, ये nx हो जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं पर ये दिया होता, अगर कहीं ये दिया होता, फॉर एग्जाम्पल ये समझिए, अगर कहीं ये दिया होता है डी डी एक्स ऑफ e की पावर 3x, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 3 e की पावर 3x लिखते हैं, ये हो जाता है हमारा डिफरेंशिएशन। e की पावर x के हिसाब से तो जो है वो आ ही जाएगा, फिर जो x का कोफिशियंट है एज ए कोफिशियंट इसके साथ आ जाएगा हमेशा। ये बात समझ में आ रही है अपनी, ठीक समझ में आ रही है ना। इंटीग्रेशन में इसका थोड़ा अपोजिट होता है, अपोजिट कैसे होता है ये समझिए। ये तो हो गया अपोजिट इन द सेंस का मतलब, अगर e की पावर जो भी है x है इसका कोई कोफिशियंट दिया है तो e की पावर nx तो आ ही जाएगा, लेकिन x का जो भी कोफिशियंट होगा वो उस फंक्शन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ x का जो भी कोफिशियंट था n, n क्या हुआ था, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, तो वहां क्या है n, x का कोफिशियंट है, तो यहाँ n क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, नीचे जाएगा। यहाँ कोफिशियंट नीचे जाता है मतलब डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर कोफिशियंट क्या होता है, न्यूमरेटर में आता है, मतलब सीधे मल्टीप्लाई होता है, एज ए कोफिशियंट बन जाता है। नारी हमारी बात ठीक है, ओके। ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन वो नीचे जाएगा, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, आया मेरे छाता, ठीक है चलिए। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब कुछ मोटी मोटी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, जैसे हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना,
अगर इसका कोई कोफिशियंट दिया जा रहा है तो कोफिशियंट को हमेशा क्या कर लेंगे हम, बाहर करेंगे। थ्री है तो थ्री को हमेशा क्या कर लेंगे हम, बाहर कर लेंगे। जब आप थ्री को बाहर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, थ्री डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा। अब थ्री तो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स, तो थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स एक्स। समझ में आई हमारी बात। तो अगर x का कोई कोफिशियंट है तो उसको बाहर रखेंगे, फिर x को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी कोफिशियंट आएंगे दोनों को आपस में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर सेम वेरिएबल है तो। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे तो भाई अलग अलग लिखे जाएंगे, कोई नंबर दिया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो लिख लेंगे कोफिशियंट में। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये तो रहेगा ही है, लेकिन ये कोफिशियंट नीचे जाता है। अब जैसे इंटीग्रेशन करना होता है इसी का कोई कोफिशियंट दिया होता, जैसे हमने पीछे भी बताया अभी अभी थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन कर रहे होते तो 3 को एज ए कोफिशियंट हम बाहर रखेंगे, 3 तो बाहर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया डी एक्स है, एक्स स्क्वायर और क्या हो गया डी एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर डी एक्स में एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो n के प्लेस पे क्या है 2 है, तो यहाँ जाएगा 2 प्लस 1 3, नीचे भी क्या आएगा 3, एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी ऐड करते हैं तो हम सी क्या कर देंगे यहाँ ऐड कर देंगे। अभी 3 से 3 क्या आ जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस सी आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल का अगर कोई कोफिशियंट दिया है तो कोफिशियंट को हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, जो भी वेरिएबल दिया है उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी करना होगा कर लेंगे, फिर उसी को क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उस कोफिशियंट से क्या कर देंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर सिंपल अकेले कहीं पर कॉन्स्टेंट टर्म दिया है, इसको भी समझ लो, सिंपल अगर अकेले कहीं पर कॉन्स्टेंट टर्म दिया है, जैसे मान लो सिंपली कहीं अगर ये दिया होता डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए दिया होता डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री दिया होता सिर्फ, मतलब वेरिएबल यहाँ है ही नहीं, मतलब जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हमारे फंक्शन में वो वेरिएबल है ही नहीं, उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करना है ये समझना है। जब वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा, अगर डी डी एक्स ऑफ कहीं वन लिखा है तो हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा, कहीं डी डी एक्स ऑफ सी लिखा है तो क्या आएगा जीरो आएगा, कहीं डी डी एक्स ऑफ बी लिखा है तो ये हमेशा क्या आएगा जीरो। एक्स से फ्री टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक, समझ आई हमारी बात। अब आगे आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इसे वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग दिया है, टू एक्स क्यूब मान लो दिया है, अब इस पूरी इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इस पूरी इक्वेशन को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो देखो कैसे करेंगे, पहले डी डी एक्स ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे, यहां यहां भी आएगा डी डी एक्स और ये हो गया टू एक्स क्यूब। अब चूंकि वाई एक्स का फंक्शन है तो इसका डी डी एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि वाई किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, अब ये कांस्टेंट टर्म नहीं है कि जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है इसलिए वाई का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। तो इसको पहले एक्स की पावर एन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की पावर एन के हिसाब से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर एन के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हो जाएगा टू वाई, फिर वाई का अकेले से करेंगे तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो पहले वाई स्क्वायर का एक्स की पावर एन के हिसाब से करेंगे तो टू वाई आ जाएगा, फिर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, या डी वाई बाई डी एक्स जो भी आप बोलो। अब इसका टू कोफिशियंट बाहर आएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर होगा। अब जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हो, टू से टू कैंसिल हो गया, फिर यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बचा यहां पर थ्री एक्स स्क्वायर और ये वाई आपका नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा वाई, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई, जो फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का निकलेगा वो ये हो जाएगा। समझ में आई बात हमारी, अगर वाई एक्स का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, डिफरेंशिएशन जीरो हमेशा किसका होता है कॉन्स्टेंट टर्म का होता है, जो एक्स से फ्री टर्म होता है, वाई एक्स से फ्री टर्म नहीं है, वाई डिपेंडेंट है किस पे एक्स पे, ठीक है, एक्स इसमें क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल,
वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ जीरो हम नहीं लिख पाएंगे। हाँ तब जीरो ही होगा, तो कांस्टेंट टर्म तो जीरो ही होगा, समझना है कब जीरो होगा कब नहीं, ये ध्यान में रखना अपना, ये जीरो ऐसी सिचुएशन होगी तो नहीं, ठीक है डन। चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर यही इंटीग्रेशन समझना होता तो हमें कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये समझो, अगर कांस्टेंट टर्म होता मान लीजिए थ्री है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, थ्री का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अब थ्री तो बाहर ही आ जाएगा, थ्री बाहर होगा, यहां सिंपली क्या आएगा वन इंटू डी एक्स, और वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होता है हमेशा, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में क्या आता, वाई आता, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, एक्स ही आएगा। इसका मतलब अगर कहीं सिंपली लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ फाइव डी एक्स तो क्या लिखोगे तुम, फाइव एक्स प्लस सी, कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स तो क्या लिख दोगे सीधे तुम, बी एक्स प्लस सी, जो भी कांस्टेंट टर्म है एक्स से फ्री टर्म है उसको रखेंगे और एक्स के साथ एज ए कोफिशियंट बनाकर उसको लिखेंगे, प्लस सी लिख देंगे ऑर्बिटरी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता लेकिन डिफरेंशिएशन, क्लियर आई हमारी बात, समझ में आ गई, ठीक है भैया आगे बढ़े। चलिए ये यहां तक हो गई बात, अगला आ जाओ, तो सेकेंड फॉर्मूले तक हमने बता दिया था तुम्हें है ना, अब आओ थर्ड में, थर्ड में क्या है अपना, अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, तो इसी का अपोजिट समझना थर्ड में, यहां समझो ये समझना कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉस एक्स प्लस क्या जाएगा दोस्त सी आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, दो तो मैं एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो भैया लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कॉस का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के साइन एक्स, फिर यहां पर समझो कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, अब जरा देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन है, दिख रहा है नहीं अपोजिट, दिख रहा है ना एकदम अपोजिट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स या साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है माइनस के कॉस एक्स, जस्ट अपोजिट है कि नहीं, एकदम अपोजिट है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि एंगल में हमेशा एक्स ही हो, एक्स का कोई कोफिशियंट भी हो सकता है, एक्स की कोई पावर भी हो सकती है, तो उस केस में क्या करोगे, अभी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस बताएंगे, पहले ये समझो कि अगर केवल एक्स, अगर एक्स का कोई कोफिशियंट दिया होगा तो क्या करोगे, मान लीजिए अगर एक्स का कोई कोफिशियंट दिया होगा तो क्या करते तुम, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डी डी एक्स ऑफ, फिर से यहां पर मान लीजिए कॉस ऑफ ये एन एक्स होता, फिर वही तरीका कॉस के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, कॉस के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख देंगे, एन एक्स है एक्स की प्लेस पे तो एन एक्स लिख देंगे, भाई एंगल में एन एक्स है तो यहां भी एंगल में क्या लिख देंगे एन एक्स लिख देंगे, क्योंकि कॉस का साइन होता है तो कॉस का माइनस साइन लिख देंगे, लेकिन हमने कहा डिफरेंशिएशन में अगर एक्स का कोई कोफिशियंट है तो जो भी डिफरेंशिएशन के बाद हमारा फंक्शन आएगा एक्स का जो भी कोफिशियंट होगा पूरे फंक्शन का कोफिशियंट बन जाएगा वो, अब ये nx इस nx एंगल में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ ये जो nx का कोफिशियंट है इस पूरे फंक्शन का भी क्या हो जाएगा कोफिशियंट हो जाएगा, ये बेसिकली होता कैसे है, अगर कोई फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसको कैसे करते हैं, पहले इसको इस फंक्शन के हिसाब से कर देंगे, जैसे डी डी एक्स ऑफ मान लीजिए क्या दिया है तुम्हारा डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एन एक्स दिया है, तो कॉस के हिसाब से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आ जाएगा माइनस के साइन एन एक्स, ये हमने लिख दिया, फिर एन एक्स का करते हैं इंटू में क्या होगा डी डी एक्स ऑफ एन एक्स, इंटू में क्या लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एन एक्स, मतलब अंदर भी कोई फंक्शन है तो प्रोडक्ट में करके उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करते हैं,
अब हमने क्या कहा था, अगर x का कोई कोफिशियंट है तो उसको हम बाहर कर लेंगे, तो ये n बाहर आ जाएगा, n साइन एन एक्स। फिर हमने क्या बताया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, इसको क्या कर लेंगे 1। 1 से किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में कोई वेरिएशन कोई चेंज नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n साइन n x आ जाएगा। यही तो हमने, ये इसका प्रोसीजर है। फिर इंटीग्रेशन में हमने क्या बताया था, अगर इसका कोई कोफिशिएंट दिया है तो, इंटीग्रेशन में अगर कोई कोफिशिएंट दिया होगा तो हमेशा कहां जाएगा वो, नीचे जाएगा दोस्त। अगर मान लीजिए यही हम ले लेता, तो ये कॉस ऑफ एन एक्स है, मान लीजिए डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता साइन, तो पहले कॉस फंक्शन के हिसाब से इसका करूंगा, तो यहां क्या आ जाएगा साइन एन एक्स आ जाता, साइन क्या आ जाता है एन एक्स। फिर जो भी x का कोफिशियंट हो वो हमेशा क्या होगा, नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा, मैंने पहले बताया ना, इंटीग्रेशन में अगर x का कोई कोफिशियंट है तो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा वो x का कोफिशियंट पूरे फंक्शन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, नीचे जाएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। ये बताया था, पीछे हो गई बात अपनी, ठीक है, ये ऐसे समझ के रखना है। जैसे e की पावर में बताया भी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो वहां भी लगेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई अपनी, आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ये हो गया इंटीग्रेशन, कुछ हमने देख लिया, तीन चार फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखो, अब जैसे मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई है, इसी को शॉर्ट में कहीं कहीं एन एन एक्स लिखा जाता है, डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, एल एन एक्स का मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम है, ln x का मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम का मतलब जिसके बेस में क्या होगा, जिस लॉग के बेस में e आएगा उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है ये। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप तो समझ में आ ही रहा होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है तो log x, log ऑफ x प्लस c हो जाएगा ना दोस्त, या इसी को लिखते हैं हम क्या ln x प्लस c लिख देंगे, बात एक ही है। अब ये हो गया किसका, लॉग का। अब ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए बेस ई, लॉग ऑफ ए बेस में क्या आता है ई होता है, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये समझो, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स और जो भी कोफिशियंट है हमेशा कहां जाएगा वो नीचे, लॉग ऑफ ए बेस ई प्लस क्या आ जाएगा यहाँ सी आ जाएगा, इसका जो कोफिशियंट आता था हमेशा वो कहां जाएगा नीचे, यहां जो कोफिशियंट मल्टीप्लिकेशन में आता था वहां कोफिशियंट कहां होगा डिवीजन में जाएगा, कोसेंट में जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब आगे आ जा, अगर दूसरा होता तो कुछ, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ बेस में ई नहीं होता, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ मान लेते हैं x बेस ए होता, तो अगर x बेस ए होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन आ जाता 1 अपॉन x log ऑफ e बेस ए आता, 1 अपॉन x log ऑफ e बेस क्या आता ए आता। अब क्वेश्चन उठता है ये कैसे आया, ये भी बताएं, देखिए कैसे आया ये समझो। अब ये जो तो है तुम्हारा क्या कि log ऑफ x बेस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ x बेस e इंटू log ऑफ e बेस ए, एक नया वेरिएबल हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया इन दोनों के बीच में, एक को बेस में जाएंगे तो दूसरे को मेंटिसा में डालेंगे, तो ये x बेस e हो गया, यहाँ log ऑफ e बेस क्या हो गया a हो गया। अब log ऑफ x बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने पहले बताया आपको 1 अपॉन x, ये तो कांस्टेंट टर्म है एज ए कोफिशिएंट बाहर रहेगा, इसको बाहर रखा हमने, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि log ऑफ x बेस e का क्या होगा 1 अपॉन x, यहां तो x है नहीं, ये कांस्टेंट टर्म होगा कोफिशिएंट रहेगा, ये कोफिशिएंट में आ गया है, ये सारे टर्म्स किस में आ गए तुम्हारे कोफिशिएंट में आ गए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर इसका अगर मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा तो ये चीज मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज मिल जाएगा 1 अपॉन x log e बेस a का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा log ऑफ, लिखूं देखो
इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log ऑफ e बेस a करूंगा, तो 1 अपॉन x ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, e बेस a ये तो बाहर ही रहेगा, 1 अपॉन x का क्या होगा इंटीग्रेशन, log ऑफ x बेस e हमने बताया ना, तो log ऑफ x बेस e इंटू log ऑफ क्या हो जाएगा e बेस a प्लस क्या हो गया c। अब देखिए प्रोडक्ट में एक बेस में है e, एक क्या है मेंटिसा में, ये दोनों ऑपरेट होकर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x बेस की आ जाएगा, फिर x प्लस a आ जाएगा प्लस e, यही हमारा क्या है आंसर है इंटीग्रेशन का, log ऑफ x बेस e है इंटू log ऑफ e बेस a, एक बार e क्या है बेस में आ रहा है, एक बार e किस में आ रहा है मेंटिसा में आ रहा है, ये दोनों इंटर ऑपरेशनल अपनी जो भी है एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा x बेस a बचेगा। c ऑर्बिटरी कांस्टेंट हमेशा प्लस करते हैं, तो यहां भी प्लस करके लिखेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक समझ में आ रही बात, ठीक है आगे बढ़े, चलो हो गया ना यहां तक, चलो अब आगे बढ़ते हैं एट्थ देखो जरा। अब साइन कॉस का होगा इसी तरह से कॉसेक का भी होगा कॉट का भी होगा सबका होगा ना फिर तो। अब देखो साइन का क्या होगा कॉस का हो गया हमने देख लिया, फिर टेन का देखते हैं डी डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर टेन एक्स होगा प्लस सी, टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, जस्ट अपोजिट होता है। फिर आते हैं आगे, अब यहां से चीजें समझ में आ रही होंगी, समझ रहे हो ना, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो फिर यहां से बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, इसका डिफ्रेंशिएशन ये तो उसका इंटीग्रेशन ये चीज, डिफ्रेंशिएशन ये इंटीग्रेशन ये चीज, उल्टा है समझ में आ रहा है ना एकदम, पूरा गेम समझ में आ रहा है, पूरा गेम इसी का है, यही सब समझना है, ठीक है। अगर एक बार समझ में आ गई चीजें तो फिर हो जाएंगे, दूसरा समझो यहां देखो अब, चलो फिर अगला समझो, अगर इनवर्स वाले फंक्शन की हम बात करें कुछ, तो कुछ इनवर्स वाले फंक्शन की भी बात कर लो, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इनवर्स का है ये, फिर इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर कॉस का भी इसी तरह से देखो, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इलेवेंथ में फिर देखो क्या होगा, अगर माइनस का होता वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ये क्या हो जाता कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाता दोस्त सी हो जाता। हाँ तो डिफ्रेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये चीज होगा, यही तो समझा रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, यही समझ रहा है ना, ठीक है ये हुआ। तो साइन कॉस का लिख दिया, इसी तरह से टेन का भी होगा कॉट का भी होगा सेक का भी होगा और कॉसेक का भी होगा, ठीक है। अब टेन का समझो, टेन का देखो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स होगा प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हाँ टेन इनवर्स है, हाँ यह टेन इनवर्स है भैया, ठीक है भैया।
अब इसमें कुछ और भी दिया होगा तो लिखा जा सकता है, जैसे मान लो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता तो, हाँ एक्स अपॉन ए होता तो उसको भी लिख सकते थे, कोई चीज नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे। अब जैसे मान लो टेन के बाद आता है कॉट का, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, यही आता है बस नंबर, साइन अपोजिट हो जाता है, माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो यही चीज, माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, हाँ सॉरी कॉट का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस लगा रहेगा तो कॉट में जाएगा, प्लस लगा रहेगा तो टेन में जाएगा, इनवर्स में है ना। अब आगे देखो, अब सेक का देखो इसी तरह से, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन एक्स रूट में आता है ये एक्स स्क्वायर माइनस के वन। इसका मतलब अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो 13 है ना ये, सॉरी ये 13 था, अब ये 14 है, तो वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होगा इसका, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, समझ में आई बात। फिर 15 में आ जाओ, डी डी एक्स अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही माइनस में आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स और रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। फिर यही इंटीग्रेशन की अगर बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के वन अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस तरफ हमने डिफरेंशिएशन लिखा है, उस साइड हमने क्या लिखा है इंटीग्रेशन, समझ में आ रही है सारी बात, कोई डाउट हो तो बताओ हमें, समझ में आया ना कैसे चल रहा है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। अब इनवर्स वाले हो गए हमारे, कुछ खास वाली बात हो गए, इनवर्स के अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़े होगे तुम, डिफरेंशिएशन में कुछ यूनिक फॉर्मूले हैं जो तुमने पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन में भी कुछ यूनिक फॉर्मूले अलग पढ़े होंगे उनको भी समझ लो। डिफरेंशिएशन में जैसे फंक्शन ऑफ द फंक्शन होगा तो कैसे करोगे, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस क्या होता है वो बता देता हूँ, फिर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के क्या फॉर्मूले होते हैं, और कोशेंट में अगर फॉर्मूले दिए हैं तो मतलब दो फॉर्मूले का रेशियो दिया है तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे क्या है, ये सब देखते हैं। इंटीग्रेशन में कोशेंट वाले फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन में केवल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का दिया है, ठीक है। अगर इस तरह का डिवीजन में दिया है, कोशेंट में दिया है, तो उसको प्रोडक्ट में बनाना पड़ेगा, करते हैं उसको देखो बताते हैं। अब देखो जैसे डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ये समझो कि अगर मान लीजिए फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डी डी एक्स ऑफ वाई या सिंपली क्या लिख दूं, वाई डैश लिख दूं या वाई वन लिख दूं, बात एक ही है, पहले इस फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश जी ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे जी ऑफ एक्स का करेंगे तो जी डैश एक्स आ जाएगा। अब ये बात समझ में नहीं आएगी ऐसे कि हुआ क्या एग्जैक्टली, मैं समझाता हूँ इसको, जब प्रैक्टिकली इसको करोगे इसके इम्प्लीकेशन देखोगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक फंक्शन दिया है, सपोज करो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, साइन ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन अपने आप में क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन अपने आप में क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है हमारा, तो साइन एक फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, तो साइन क्या है एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अपने आप में एक अलग फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है। इसको कैसे करोगे, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले y का करेंगे तो भाई y डैश या y1 लिख लेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका, साइन का करेगा तो क्या होगा बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos हो जाएगा, cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का करेंगे इनटू में डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा ना, एक्स की पावर एन के हिसाब से इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा ये 2x आएगा। अब 2x ये एंगल में नहीं है, ये 2x इस पूरे का कोफिशियंट है, तो 2x को पहले लिख लो आप, ये हो गया क्या 2x cos x स्क्वायर,
तो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का ऐसे केस सॉल्व होगा। कभी कभी एक ही फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ अलग होता है, ऐसे एक अलग एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं। जैसे मान लो ऐसे दिया होता, सपोज करो y इक्वल टू तुम्हें दिया है log ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स दिया है मान लो। अब ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, तीन फंक्शन है इसमें, log है एक, एक साइन है, एक रूट एक्स है। तो पहले log के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा। log के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स हो जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स करोगे। अब देखो साइन के हिसाब से फिर करोगे इंटीग्रेशन, साइन के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का हो गया कॉस, कॉस रूट एक्स है तो रूट एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का भी अलग से करेंगे, रूट एक्स का तो अलग से फॉर्मूला ही याद कर देना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स नहीं, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। बाकी करोगे एक्स की पावर एन से, वहीं से आया है, लेकिन याद रखना है, जिस तरह इस तरह का कोई फॉर्मेट दिखेगा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स होगा। अब भैया ये होगा रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये कॉट रूट एक्स हो गया। और क्या हो गया, रूट एक्स का होगा वन अपॉन टू रूट एक्स। अब ये पूरा कोफिशियंट है, बाहर ही रहेगा हमेशा, तो 1 अपॉन टू रूट एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट रूट एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा डिफरेंशिएशन इसका, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का है। पहले लॉग के हिसाब से किया, फिर साइन के हिसाब से किए, फिर रूट एक्स का किए, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिए। मल्टीप्लाई करके ही लिखा जाता है हमेशा, और याद रखना ये कभी भी एंगल में मल्टीप्लाई नहीं होता, जैसे हमने बता दिया। अब एक्स स्क्वायर का हमने कह दिया, सोचो कि ये एंगल में था, इसका जो भी डिफरेंशिएशन आएगा एंगल में नहीं मल्टीप्लाई होता, ये पूरे फंक्शन का कोफिशिएंट बनता है, इसलिए हमने पहले लिख दिया। देख लो समझ, गलती से भी एंगल में नहीं मल्टीप्लाई कर देना, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बाहर ही होगा। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हो गया डिफरेंशिएशन के कुछ बता दिया हमने, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया है तो अभी डिफरेंशिएशन की ही बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया होगा तो क्या करोगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया है तो डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो क्या करोगे, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा, जिसे y इक्वल टू मान लो दिया है u इंटू वी दिया है, दो फंक्शन है। अब y डैश निकालो, इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, डी डी एक्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, u इंटू क्या हो गया, v हो गया, क्या होगा इसका, u v x के फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये तरीका है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का करने का, ठीक। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा है तो प्रोडक्ट, मान लीजिए फंक्शन का जो प्रोडक्ट दिया है वो दो से ज्यादा है, तो तीन है तो मान लेते हैं, एक अलग केस है ये, यूनिक, इसको ध्यान में रखना। ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का केस हो गया, इसको अलग रखना। अगर ये तीन होता तो, तीन होते तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दिया है, u v और w भी दिया है, तीन दिए हैं तो कुछ नहीं, दो को मिलाकर एक मान लेना, पहले दो को मिलाकर एक मान लेना, फिर इसको और इसको मिलाकर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगा देना। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट हमारा क्या हो गया, u v हो गया, इंटू सेकेंड का क्या है, डिफरेंशिएशन, तो डी वी एक्स अब क्या हो जाएगा, w प्लस क्या होता है, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का क्या है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट हमारा क्या है, u इंटू v। अब जब इसको करोगे तो क्या होगा, w का तो w रहने दो, लेकिन यहां से फिर से क्या मिल गया तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फिर यहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगा देना। अब इसको फर्स्ट मान लेना, उसको क्या, सेकेंड, ये हो जाएगा u v हो गया, ये d dx ऑफ w प्लस ये हो गया ये w।
अब यहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगाओगे तो यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। दो से ज्यादा अगर तीन फंक्शन दिए हैं, चार दिए हैं, तो इस टेक्निक को यूज करना है अपने को। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो ये तो प्रोडक्ट का हो गया। अगर मान लो डिवीजन में दिया है तो कोशेंट ऑफ टू फंक्शन दिया तो हाँ बेटा फिर जो आएगा करने के बाद मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। मान लीजिए कोशेंट ऑफ टू फंक्शन दिया है तो ये सब सीखना है तभी जाकर कुछ होगा। मतलब दो फंक्शन का रेशियो है तो सिंपली ऐसे समझो, जैसे y इक्वल टू समथिंग दिया है u अपॉन v, क्या करोगे? इसका फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, y डैश इक्वल टू क्या होगा, ये वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करना है जो नीचे है डिनोमिनेटर में, फिर लिखेंगे इसको v डी डी एक्स ऑफ u, ये u है, माइनस का u और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा, u अपॉन v है, v का स्क्वायर, v डी डी एक्स ऑफ u मतलब न्यूमरेटर में जो फंक्शन होगा, माइनस का u मतलब न्यूमरेटर वाला फंक्शन, और डी डी एक्स ऑफ v मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। ये कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस दिया है तो वो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना, यहाँ पहले v आएगा फिर u आएगा फिर यहाँ u v आएगा, नहीं तो साइन अपोजिट आ जाएगा तुम्हारे आंसर में। ठीक है भैया, आंसर तो ठीक होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा ऑर्डर में अगर चेंज कर दिया तो। ओके, ये कोसेंट ऑफ टू फंक्शन। हाँ हाँ, तो फंक्शन चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि कैसे यूज करेंगे, गुड नाइस क्वेश्चन। वाई इक्वल टू क्या दिया है, मान लो साइन एक्स अपॉन सपोज करो दिया है एक्स स्क्वायर या एक्स दिया होता सिंपली, एक इजी एग्जांपल लेते हैं हम। ये यू हो गया, ये वी है, डिफरेंशिएशन करेंगे वाई डैश, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं ना, फिर आता है v, v का मतलब है x, डी डी एक्स ऑफ u, u क्या है यहाँ पर साइन x, माइनस का क्या होता है u, u क्या है साइन x, फिर डी डी एक्स ऑफ क्या होता है v, v क्या है यहाँ पर x है। अब करो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, माइनस का यहाँ पर क्या है साइन x ही है, यहाँ लिखेंगे साइन x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्त वन होता है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x cos x माइनस का sin x, माइनस का sin x, दिस होल अपॉन क्या होगा यहाँ x स्क्वायर, ये होगा ऐसे ही यूज करेंगे। समझ आया कैसे यूज करना है, इस तरह से दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा रेशियो रहेगा, इस तरह से यूज करना है इसको। ओके डन, ठीक है आगे बढ़ें। चलिए तो ये कोसेंट ऑफ टू फंक्शन हो गया, ये डिफरेंशिएशन की सारी बातें हुई, डिफरेंशिएशन का तो काफी हद तक कर लोगे, इंटीग्रेशन का क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेशन में कोसेंट ऑफ टू फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, दो फंक्शन का रेशियो दिया होगा तो इंटीग्रेशन में उसको आप नहीं लगा पाओगे, उसको प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन में केवल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का क्या है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में और कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी हैं, उसकी एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इंटीग्रेशन की बात करते हैं आप, अब इंटीग्रेशन को कुछ अलग से देखेंगे। इंटीग्रेशन वाले में क्या है देखो जरा, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है तो क्या करोगे, मान लीजिए यू और वी ही है तुम्हारे पास फंक्शन, अगर अभी भी यहां पर है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो किसी को फर्स्ट मानोगे किसी को सेकंड, मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट माना और इसको क्या मान लिया है सेकंड फंक्शन, तो देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, मान लो तो वाई डी एक्स दिस इक्वल टू क्या होगा, यहां इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यू इंटू वी इंटू क्या है ये डी एक्स है करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू है हमारा इंटू हाँ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो अभी पीछे किए हो वी डी एक्स,
फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस का फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा इस पूरे का अगेन क्या इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस के फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये दो दोनों जो आएंगे सॉल्व करने पे इनका अगेन क्या करना है मुझे इंटीग्रेशन, ठीक ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब ये होता है कि बहुत किसको हम फर्स्ट माने किसको सेकेंड माने, किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए किसको क्या माना जाए सेकेंड फंक्शन, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इसके लिए एक रूल बनाया गया है, वो रूल क्या कहता है ये समझो ना बेटा, रूल है हमारा क्या इलेक्ट आई का मतलब इससे किससे है भैया, आई का मतलब यहां से है इनवर्स फंक्शन से, किससे है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन से है, लॉगरिथमिक फंक्शन से है, ए का मतलब क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन से है, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। और ई का मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से है। इस ऑर्डर का ध्यान रखना हमेशा, इसी सीक्वेंस में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमेशा क्या किया जाएगा कंसीडर किया जाएगा। जैसे अब जैसे मान लो एक एग्जांपल समझाते हैं तुम्हें, मान लो वाई इक्वल टू एक फंक्शन दिया है एक्स साइन एक्स लिखा है, चलो एक्स और क्या हो गया साइन एक्स, एक्स क्या है और साइन एक्स है, तो इस x और sin में कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन, sin x तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें देखो a पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। और शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जो क्या होगा टर्मिनेटिंग फंक्शन होते हैं, टर्मिनेटिंग फंक्शन का मतलब जिनको हम डिफरेंशिएट करें तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे डिसअपीयर हो जाएंगे, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शन, या इसी को हमेशा टॉप पे रखते हैं हम फर्स्ट पे रखते हैं हमेशा, तो इसको फर्स्ट मानेंगे इसको क्या मानेंगे सेकंड। अब मान लो कहीं ऐसे दिया है सपोज करो जैसे y इक्वल टू मान लो दिया होता कहीं सपोज करो यहां पर दिया है साइन एक्स दिया है और यहां दिया है लॉग एक्स भी दिया है, अब ये मान लो दो चीजें तब किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड, तो साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन, एल पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है ना, तो लॉग को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इसको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन, तरीका हमेशा ये यूज करना है, ये आईलेट को ध्यान में रखना है, बाकी वो है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, समझ में आ गई बात, ठीक है ना भैया, ठीक है ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ खास फॉर्मूले भी हैं अलग जो याद रखने चाहिए, यूनिक हैं थोड़े, याद करोगे पक्का ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, ठीक है पहले इतना याद कर लो फिर बाकी जो स्पेशल वाले हमने बता रहे हैं अभी उसको अलग से बना देते हैं, ठीक है इतने में